प्रणाम एंड नमस्कार टू स्पिक मैके और स्पिक मैके के जितने दर्शक आज देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं. मेरा नाम सोनल है, जो इतना सरल है कि उसके तरह तरह के उच्चारण होते रहे. सोनल नाम गुजरात का है. गुजरात में जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र की द्वारका में श्री कृष्ण ने अपनी यदुवंश की का राज्य स्थापित किया था. तो मेरी माता जी सौराष्ट्र की थी और मैं उनकी दूसरी बेटी, पहली बेटी आरती बहन, मेरी बड़ी बहन, एक छोटा भाई. तो आरती तो आप जानते हो, आरती करना. मेरे लिए पता नहीं कहाँ से उनको ये सूझा कि एक 200 वर्ष के, 250 वर्ष के इतिहास में, वहाँ जब नवाबों का राज्य था गुजरात में, तो सुंदर लड़कियों को उठा के ले जाना, राजकुमारियों को भगा के ले जाना, ये कार्यक्रम चलते थे. और सौराष्ट्र के लोग बड़े शूरवीर होते थे, काठियावाड़ी राजपूत. तो एक ऐसे छोटे बड़े राजकुल की लड़की सोनल, उसको उठा के ले जा रहे थे. और सोनल ने बहुत वीरतापूर्वक लड़ाई की, जैसे अपने भाई को भी संदेशा भेजा. और जब तक वो आए तब तक ये उनके हाथ नहीं, यानी दे कुड नॉट किडनैप हर इन दैट सेंस. एक बात ये है सोनल, एंड द मीनिंग इज गोल्डन, कम्स फ्रॉम स्वर्ण इन संस्कृत, स्वर्ण से सोना और सोना से सोनल. तो इसके बंगाली में, उड़िया में बहुत सारे सोनाली वगैरह वगैरह हैं. तो मेरा नाम सिंपल है सोनल. एक बात और मैं आपसे जोड़ना चाह रही हूँ, बिकॉज व्हेन रश्मि वाज परसुइंग मी एंड प्रेसिंग मी टू गिव द टॉपिक, तो मुझे लगा कि जो जिस पे मेरा जीवन खड़ा है, जिस पे मैं जी रही हूँ, वो है नृत्य. तो हाउ डांस हैज शेप्ड माय लाइफ. हम जो भी कुछ होते हैं वो हमारे जीवन के कुछ ध्येय, आइडियल, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पे हमारा जीवन पूरा मोल्ड होता है. तो जब मैं, मेरी माता जी वॉज प्रेग्नेंट द सेकेंड टाइम, उदय शंकर द ग्रेट डांसर, हु लेटर बिकेम अ ग्रेट डांसर, और पंडित रविशंकर जी के सबसे बड़े भाई, ही वॉज पार्टनरिंग आन्ना पावलोवा द ग्रेट रशियन बैलरीना. शी वॉज दी बैलरीना सुप्रीम ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम. तो आन्ना पावलोवा ने उदय शंकर को वैसे ही देखा था, यू नो, लाइक इवन टुडे द इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड, दे डू सम राधा कृष्ण डांस, सम शिवा डांस, कुछ करते रहते हैं. अभी तो खैर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है, बट एट दैट टाइम. एंड शी सॉ हिम एंड शी इन्वाइटेड हिम टू पार्टनर हर ऑन हर टूर टू ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया. तो ऑस्ट्रेलिया से वापस उन दिनों जहाज, यू नो, इन द शिप, देवर नो मे बी देवर फ्लाइट्स, बट देवर गोइंग बाय शिप. तो बम्बई में उतरे एंड इन बॉम्बे दे हैड अ परफॉर्मेंस एट अ प्रोग्राम. तो माई फादर टुक माई मदर टू सी दैट. वो देखते देखते, माई मदर ऑलवेज टोल्ड अस दैट शी वॉज होपिंग एंड प्रेइंग कि ये जो भी बालक हो, बालिका हो, लड़का लड़की हो, वो भी डांसर बने. सो आई मेंटेन दैट आई हैड नो चॉइस इन द मैटर. माय मदर प्रेड एंड आई केम आउट. उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो समहाउ डांस बिकेम माय डेस्टिनी. आई मस्ट से के बहुत लक भी इसमें काम करता है. वन फैक्टर इज पूर्व जन्म के पुण्य. वी हिंदूज बिलीव इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ्स.
And we do believe that the karma of the previous birth or previous births, they somewhere or other, they sneak in. And they also have a lot to do with the present life. So I think I must have left dancing somewhere halfway. So that karma aa gaya. Then to be born to parents in a household, which although being a Gujarati and although participating in the freedom struggle of India, they were full of respect and love for Indian arts, Indian traditions, Indian culture. So, हम लोगों को मुझे मेरी बड़ी बहन को वी गॉट अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एट होम ऑल्सो. द थर्ड थिंग लकी थिंग दैट बिकॉज ऑफ दैट द गांधियन और वट एवर से द नेशनलिस्टिक अप्रोच हमें कॉन्वेंट स्कूल में नहीं डाला. थैंक गॉड वी वर एजुकेटेड इन गुजराती मीडियम स्कूल्स एंड this particular school, the Fellowship High School in Bombay at the Govalia Tank, was established by Annie Besant, the Theosophist. Gurudev Tagore had also visited. Gandhiji had visited. And the 1942 Quit India movement, the call was given from the Maidan of our school. So our school had prayers, haroz ke shlok, prayers, Gujarati medium, Hindi, Sanskrit, the utsavs, the festivals, ghar mein bhi Gujarati bolna, Gujarati Hindi padhana, Sanskrit padhana, dance seekhna, sitar seekhna, vocal music for almost 15 years through the school and through college. And reputed gurus came. बहुत 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 luck बड़ा मेरा कि ये सारा जो मुझे एक संस्कार मिला, एक बढ़त मिली, तो चलती गई. अब उसमें होता क्या है? See, what happens is that if life was that easy, I wouldn't be where I am. I've had very sharp up and down graph. So today when you see me and today when people see me as a member of parliament or as a Padma Vibhushan awarded by President of India, as whatever, 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 we forget the journey. And I don't call it even a journey. I call it a pilgrimage. Ye meri jeevan yatra. और ये यात्रा जब मैं 2006 में मुझे कैलाश दर्शन का मौका मिला. आई वेंट विथ अ ग्रुप टू मानसरोवर एंड कैलाश. और अभी वर्ल्ड डांस डे पे मैंने मेरा वो फोटो भी भेजा, साझा किया. डांसिंग ऑन अष्टपथ, दैट इज द प्लेटो, द हाईएस्ट प्लेटो. एंड फ्रॉम देयर the yatra, the parikrama of Mount Kailas begins. Piche Shri Kailas ke darshan bhi hote hain usme. That is at about 18,000 or 17,000 feet. Aur wahan Saga Dava festival Tibetans ka bahut bada. To usme jo unhone mandap banaya tha, toran laga ke, jo sacred bhoomi, aur wahan samne Shri Kailas, Shiva Nataraj, Devi Nateshwari Virajman, and I danced. Maine ek hi prarthna ki man mein, I prayed to Goddess, to Ma, ke aapke samne, Nataraj ke samne, pair uthane tak ki himmat, ye sahas meri mein nahi hai. Tu aagya kar, to main apni nritya seva, और तो कुछ ना कर सकूं, नृत्य सेवा मैं करना चाहती हूँ. एंड बिलीव यू मी, आई डांस्ड फॉर हाफ आवर, 30 मिनट्स, बिगिनिंग विद गणेश श्लोक,
and the Shavatar of Vishnu, and for Shiva, and of course for Ma Devi. At the end of 30 minutes, I was like that. Haath pair pani pani ho gaye, and I just sat down quietly because they had taken what they had to take. तो ये यात्रा जो है वो मेरी जीवन यात्रा है. तो कैलाश की परिक्रमा ही कर सकते हैं, कैलाश के शिखर के ऊपर नहीं जा सकते, चढ़ा नहीं जा सकता, उसके दर्शन होते हैं. तो मेरे लिए ये मेरी नृत्य यात्रा चलती रही, दायकों तक चल रही है. फॉर डेकेड्स इट्स बीन गोइंग ऑन द पिलग्रिमेज एंड माय टोटल मेडिटेशन. मेडिटेशन तो क्या, ध्यान इज के झलक तो मिलती जाती है, मुझे कोई खेवना नहीं है. आई हैव नो डिजायर. I only say that Ma, keep me healthy, dancing, laughing, jumping, scolding, whatever. Bas aise kat ke utha lena. Takadhe tadangu tum. And the tadangu one day can go here. Khair, it behemak der ki baat hai. I was talking about this yatra that I was very fortunate. Bahut mera bhagya achha tha. एंड गुरुज मुझे इतने अच्छे, आई मीन अच्छे तो मैं क्या कहूँ, वी रियली कांट गिव सर्टिफिकेट्स टू गुरुज. ये मैंने गलती कर दी. आई वॉज वेरी लकी टू हैव द गुरुज. भरतनाट्यम के मेरे गुरु, माई फर्स्ट लर्निंग वॉज भरतनाट्यम इन बैंगलोर, प्रोफेसर यू एस कृष्ण राव एंड हिज वाइफ चंद्रभागा देवी. ओह, I learned so much from them, so much. Of course, the dance, the aesthetics, how to enjoy dance, how to look at dance, why dance. And he was professor of chemistry in Bangalore University, an ace cricketer, handsome as they come. Chandrabhaga Devi auntie came from a highly literary family of Udupi, Mangalore, and both had learned together from the great guru Meenakshi Sundaram Pillai, the guru of Shanta Rao, of Rukmini Devi, of Ram Gopal, and my gurus. So the style, the Pandanallur style, is the complete opening up, the opening up of the body and of the spirit. And the jumps, the leaps are like a gazelle. And now it has become the big thing. Cover the stage. The space has to be covered. We never heard of that. It was all inbuilt. Stage jaisa ho, chota ho, bada ho, jo bhi ho. Wo hamare nritya se bhar jana chahiye. In that sense, I would like to say that the Indian traditional dances, khas karke jo solo dance, jisme main badi hui, main solo artist hu. Baad mein maine sikhana shuru kiya and choreography shuru ki, but I am essentially a solo dancer. My tapasya, my sadhana, my training is as a solo dancer. बोल्शॉय मॉस्को में दो बार मैंने परफॉर्म किया है. मेरे संगीतकार और मैं, जिसमें 100-100 बैलेट डांसर्स डांस करते हैं, वहां मैं. आई गॉट स्टैंडिंग ओवेशंस ईच टाइम. मैंने इतने से कमरे में भी किया है, कारपेट, बड़ी कारपेट जितना स्पेस, जितनी स्पेस. So what I learned is that like our thoughts, like our emotions, the Indian dance is elastic. It can stretch and expand. It can take in the universe. It can fill the space. It can also become very specific. It can become very intimate, very cozy.
and it can speak to one and to many, where each one feels, I am the one, she is dancing for me. It is an amazing, it's a mysterious process. So I had the great good fortune to be trained under my Bharatanatyam gurus and my Arangetram, that is the, jisko kehte hain ki pehli baar manch pravesh, rang pravesh, wo 1961, Bangalore mein hua. And uske baad mera, let's say my stage career started off. Although like every young girl and boy, हम लोग स्कूल में बहुत करते थे, लेकिन सोलो डांसर के तरीके से स्टेज पे आना, और उन दिनों 2-2.5 घंटा तो नॉर्मल था, आज की तरह 1 घंटा, 1.5 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जैसे ऐसे नहीं होता था, 2-2.5 घंटा तो था ही था, 3 भी हो जाए दो तो चलो कोई स्पेशल प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज 2.5 घंटा. मेरा वर्णम अकेला 40 मिनट का था. तो यहाँ से जो मेरी नृत्य की स्टेज की यात्रा शुरू हुई, उसमें संस्कृत के श्लोक, उसमें तेलुगु के पदम, तमिल के पदम, उसमें कन्नड़ के कृतियाँ, और यानी आपको साथ साथ भाषा, साथ के साथ संगीत. द कर्नाटिक सिस्टम ऑफ म्यूजिक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन, आप तो जानते हैं, स्पीक मेकिंग में आप सब सुनते हैं, तो वो भी साथ साथ. और चूंकि मैं संगीत सीखी थी हिंदुस्तानी, तो और तानपुरे पे, नॉट विथ हारमोनियम, तो स्वर जो लगाना होता है ना, कि षड्ज, षड्ज से ऋषभ, ऋषभ से गांधार, गांधार से मध्यम, मध्यम से पंचम, धैवत, निषाद और षड्ज, और उनके बीच में जो कोमल हैं, जो तीव्र स्वर हैं, उनको लगाते लगाते भी करना. तो ये सब बातों ने मुझे बहुत, क्या कहते हैं कि रीढ़ा बनाया. एक जैसे लकड़ी को पानी में डाल के रखते हैं तो वो रीढ़ी बनती है, उसके बाद जो दरवाजे या चौखट बने, तो वो लकड़ी कभी टूटती नहीं है, वो बहुत मजबूत होती है. तो ये सब चीज़ों ने मुझे रीढ़ा बनाना शुरू किया. और याद है मुझे कि बम्बई, वी वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे ना, तो बम्बई मैं आती जाती रही. फिर 1963 में मैंने बीए ख़त्म किया एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से, जर्मन लिटरेचर ऑनर्स लेकर. अब जर्मन क्यों लिया, संस्कृत से जर्मन, तो एक तो हमारे जो जर्मन सिखाते थे प्रोफेसर परांज पे, ही वॉज अ डैशिंग फेलो. दूसरा के संस्कृत एंड जर्मन सीम टू हैव अ लिंक, साइंटिफिक लैंग्वेजेस. एंड मैंने कुछ ट्रांसलेशन पढ़े गोटे नाम के जो बड़े जर्मन पोइट हो गए, उनके पोएम्स के ट्रांसलेशन पढ़े, तो पता नहीं, मैंने कहा जर्मन लिटरेचर एंड गुजराती सब्सिडियरी, उसको लेकर मैंने बीए किया 1963. अब जो पॉइंट आया है, एज आई कीप सेइंग, व्हाट द थिंग्स दैट मोल्डेड माय लाइफ, तो ये सब मेरे इंटरव्यूज में भी आया है, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि दादाजी, दैट्स माय फादर्स फादर एंड माय मदर, तो वो तीन बैठे और मुझे बुलाया, अब क्या करना चाहती हो सोनल? तो मेरी बड़ी बहन की तब तक शादी हो गई थी 1959, शी वाज डूइंग एमए विथ हिंदी, शी सेड आई विल डू इट लेटर, शी वांटेड टू गेट मैरिड एंड दे गॉट हर मैरिड इनटू अ वंडरफुल फैमिली. So the thing started. My grandfather said, you have a sharp mind, you can become a wonderful lawyer like I was. He was practicing with Bhula Bhai Desai and all. And
1930 में दांडी कूच गांधी जी को, नेशन को, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जायदाद सब दे दिया, नमक उठाया, मार खाए, जेल गए, 9 ऑपरेशंस हुए ओवर द इयर्स. He said, but you know, he gave up and he never went back to courts. You have a sharp. मैंने कहा नहीं 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 मैं किसी जज को your honor नहीं कहूँगी. Okay, okay. My father said, तुम foreign service join करो, you'll become ambassador. Indian flag को तुम उड़ाओगी दुनिया भर में. तो मैंने कहा उड़ाने वाले बहुत और हैं ना. Then my grandfather said, okay, then join administrative service now. You can serve the nation. मैंने कहा नहीं 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 ये मुझे नहीं. My mother said, of course, there are wonderful proposals coming from wonderful families. तो see how happy your sister is. तो मैंने कहा अरे बाद में करना, सब कुछ हो जाएगा. We can. I said, मारे तो dancers करो छे. I want only and only to dance, not and also, no, only. Oh my God, there was silence, pin drop silence. They looked at each other. I was looking out of the window, and then my mother said to my grandfather, dekha, yani Gujarati mein, you indulged her too much. क्या बोल रही है? डांस करेगी, ओनली डांस करेगी, नहीं चलेगा. माई पुअर ग्रैंड फादर लुक बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी एंड माई फादर वॉज ऑल्सो क्वाइट. माई मदर सेड गो बैक, गो गो टू योर रूम, वी लेट यू नो अवर डिसीजन. आई वेंट एंड फॉर टू डेज बादल घिरे रहे और मुझे मालूम था कि ये तो गड़बड़ बात है. सो मैं कॉलेज के सामने जो बैंक थी, पता याद भी नहीं, इंडियन बैंक होगी, तो मैं जर्मन स्कॉलरशिप के पैसे में उसमें डालती थी. दैट माई फादर हैड टॉट मी. आई हैड अ लिटिल पासबुक एंड अ लिटिल चेक बुक एंड ही सेड राइट अ लिटिल नोटबुक. तुमने ये याद आया. आई वेंट टू द बैंक एंड टुक आउट द मनी. And I went to the Victoria Terminus station. Now it's Chhatrapati Shivaji Maharaj station. Bought a ticket, rail ticket, third class to Bangalore. And the train had to go via Pune and then change to a narrow gauge, meter gauge, and then go to Bangalore from Pune. I came back. And they were thinking that maybe I'm giving it a second thought and maybe next day, teesre din, kuch baat cheet karenge. Teesre din, my father went to office. My grandfather and my mother went to guides, scouts and guides meeting. I think my grandfather was All India president and my mother was, I think, state commissioner for Maharashtra. So, सब खाली. मेरी ट्रेन का टाइम आ रहा था. मैंने छोटा अपना गर्ल गाइड का होल्ड ऑल एंड यू नो होल्ड ऑल देयर यूज्ड टू बी होल्ड ऑल्स नॉट दिस रक्सैक एंड ऑल और छोटी कुछ पेटी होगी, अब याद भी नहीं मैंने क्या लिया. एंड अवर ओल्ड रिटेनर भीमा जी इज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. मैंने कहा भीमा हूँ जाऊँ छू, मैंने मुँह किया वो तीन पत्ती. इसे क्या बेटा यू गोइंग? आई सेड So he helped me and we walked up to Teenbatti and I caught the double-decker bus to Victoria Terminus. I sat on the train and I changed at midnight or something from Pune to Bangalore. I slept through. Toh raat ko main pahunchi hongi. Jo mujhe yaad padta hai and it's in my diary also. Toh Bangalore utri and the pedal rickshaw with my little hold-on little bag. And I went to my guru's house. तो वहाँ इतना बड़ा ताला था. तो I just put my bag in the holder and sat on it. Then they had gone to see a movie, as it transpired later. तो वापस आए फिल्म देख के और लाइट में देखा, who's that? And sir came running. अरे सोनिया, what are you doing here, sir? I ran away. मैं भाग गई घर से. I ran away, sir. Oh my God, they started laughing. That's how
आई डिड माई गुरुकुल वास विद देम। तो बहुत यानी वो दिन जो सुबह से शाम तक यू नो ऑल्सो हेल्पिंग इन द हाउस होल्ड चोर्स, झाड़ू सफाई सब्जी काट के दिया, दूसरों के क्लासेस में बैठ के देखना चुपचाप, मेरे अपने क्लासेस और उनके साथ इनके लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन ये वो प्रोग्राम्स, तो इट वॉज सो फैंटास्टिक। तो ये जो बातें हैं मैं फिर कह रही हूँ कि रीढ़ा होना मात्र डांस सीख के नहीं होता है, डांस के साथ बहुत सारी बातें होती हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, ओपन हार्ट, लिसनिंग, थिंकिंग, ग्रास्पिंग, बहुत चीजें होती हैं। खैर, तो बैंगलोर से फिर इनविटेशन आया दिल्ली, पहली बार 1964 1964 आई केम टू डांस एट दैट टाइम सप्रू हाउस, अब तो वो डिफंक्ट हो गया। दैट वाज अ मेका ऑफ कल्चर इन दिल्ली, और एंड दिल्ली में वो पहली बार 3 दिन का फेस्टिवल हुआ, म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल। पहले दिन द ओपनिंग वाज सोनल पकवासा भरतनाट्यम, और बैंगलोर से मेरे म्यूजिशियंस के साथ मैं आई। माय गुरु डिडन कम, ही सेड आई एम नॉट अ नटवरनार, डोंट आस्क मी, यू टेक अवर म्यूजिशियंस, दे आर वेल ट्रेन्ड, एंड ही गेव मी रिहर्सल्स एंड वी केम डीलक्स में या जो भी ट्रेन में बैठ के आए। और मेरे बाद दमयंती जोशी जी का कथक था, और दूसरे दिन भारती गुप्ता, आपने बिरजू महाराज को अभी आपने सुना, महाराज जी की उन दिनों की सबसे वो बड़ी शिष्या भारती गुप्ता, उनका कथक था। उसके बाद इंद्राणी रहमान, उनका भरतनाट्यम कुचिपुड़ी। तीसरे दिन रोशन कुमारी जी का कथक, और उसके बाद उस्ताद विलायत खान का सितार। तो यू कैन इमेजिन व्हाट अ ग्रैंड फेस्टिवल दैट वाज। और सोनल पकवासा का डांस देखने के बाद डॉक्टर चार्ल्स फाबरी, एट दैट टाइम स्टेट्समैन वॉज द बिगेस्ट न्यूज पेपर, ये हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह 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 थे होंगे, बट स्टेट्समैन वॉज द बिगेस्ट, और एंड ही वॉज द आर्ट एंड फिल्म क्रिटिक, डांस क्रिटिक। इंद्राणी रहमान को उन्होंने बनाया, यामिनी कृष्णमूर्ति को उन्होंने इतना बल दिया। तो चार्ल्स फाबरी यदि लिखेंगे तो लोग कहेंगे कि ओके, अच्छा, वेरी गुड, अब इनको हम बुलाएंगे। चार्ल्स फाबरी ने मेरे लिए लिखा द न्यू स्टार ऑन द होराइजन, और फ्रंट पेज पे मेरी फोटो स्टेट्समैन भी, हिंदुस्तान टाइम्स में भी। तो बहुत यानी इतना मुझे आवकार मिला, इतना अप्रोबेशन अप्लॉज मिला, और उस वक्त इंद्राणी रहमान से मुलाकात हुई, फिर कुछ और मुलाकातें हुई जिसकी वजह से फिर मेरा ओडिसी में जाना हुआ। भरतनाट्यम मेरा कंटिन्यू रहा, कंटिन्यू रहा, आज भी कंटिन्यूड है। मैं भरतनाट्यम सिखाने की जरूरत भी करती हूँ, भरतनाट्यम में मेरे बहुत सारे निजी कोरियोग्राफीज हैं। और मुझे याद है कि 1974 1974 वॉज दी 400th ईयर ऑफ तुलसीदास जी राइटिंग श्री रामचरित मानस। संगीत नाटक एकेडमी, डॉक्टर सुरेश अवस्थी वॉज दी सेक्रेटरी संगीत नाटक एकेडमी। तो उन्होंने कमानी नया नया बना था, 3 दिवसीय फेस्टिवल किया। एक दिन मेरा भरतनाट्यम, तो रामचरितमानस की फुलवारी लीला, जहाँ श्री राम और सीता पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, पुष्प वाटिका, और उसके बाद सीता स्वयंवर, ये 2 प्रसंग मेरे थे। दूसरे दिन शायद इनके थे, उमा शर्मा जी के कथक में थे, और तीसरे दिन संयुक्ता पाणिग्रही जी के उड़ीसी में थे। बहुत बहुत यात्राएं आगे बढ़ती चली गई, फिर इसके यात्रा गई मेरी यहाँ गई, मेरी यहाँ गई, मेरी यहाँ गई, ओडिसी में मैं चली, फिर ओडिसी भरतनाट्यम साथ में चला। वर्षों तक ये भी चला कि मात्र भरतनाट्यम या ओनली भरतनाट्यम, हाफ एंड ओडिसी,
ओडिसी हाफ भरतनाट्यम हाफ। फिर मैंने कुछ मैं थोड़ी सी नटखट हूँ, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा हूँ। लोग मेरा मुंह देख के सोचते हैं कि बड़ी गंभीर होंगी। अब भगवान ने ऐसा नाक नक्शा दिया है तो मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू। बट पीपल हु नो मी दे नो दैट आई लव विट एंड ह्यूमर, हंसना हंसाना। और जहां अपन को लगता है कि ये सही नहीं है तो उसको भी बताना, तो मन में रख के घूंट घूंट के जो नेगेटिविटी की इलेक्ट्रिसिटी उपजाना, ये मेरे में नहीं है, बच गई हूँ उससे। मैं तो नटखट हूँ, पूछती रहती हूँ, जानने की जिज्ञासा रहती है, व्हाई दिस व्हाई नॉट दिस व्हाट वाज दैट। तो मुझे समझ में आया शायद कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर ढूंढते 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 जीवन मेरा निकल जाएगा, लेकिन शुरुआत मुझे करनी है। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, उदाहरण भरतनाट्यम ओडिसी की मैंने बात की। कहा जाता है कि दोनों बहनें जैसी हैं, एक माता की दो पुत्रियां लेकिन अलग होती हैं, फैमिली रिजेम्बलेंस हो सकता है लेकिन दे लुक डिफरेंट। भरतनाट्यम ओडिसी को लेके मैंने द्विवर्णा द्विवर्णा का कार्यक्रम किया। मेरे चार भरतनाट्यम के मेरे संगीतकार मेरे दाहिनी तरफ, चार उड़ीसी के बाईं तरफ। और जैसे हमारा वो चलता है कि भाई स्थाई नाटक पहले और जति स्वरम मंगलाचरण दोनों का एक श्लोक में, और फिर स्थाई नाटक और मंगलाचरण ये जति स्वरम। तो जैसे स्थाई नाटक का होता है, तक धा धा कड़क ताम थे, तक धा धा कड़क ताम थे। ये चार मैं अपने वो कर रही, और उधर से सा नी ध प रे नीर सा नी रे गा मा धनी तक धा। तो पूरा ओडिसी भरतनाट्यम का वर्णन भी हुआ, भरतनाट्यम का उसके साथ ओडिसी का आ, आ, क्या हुआ वो साभिनय हुआ, और यहाँ पदम हुआ तो पदम के साथ अष्टपदी भी हुई, तिल्लाना हुआ तो यहाँ नटांगी हुई। ऐसे करके द्विवर्णा लोगों को समझ में नहीं आ रहे कैसे हो रहा है, कैसे कर लेती हैं। ओडिसी का अंग इतना अलग है, उसमें चौक है, उसमें त्रिभंग है। अब और भरतनाट्यम इज, मैंने कहा देखिए वी टॉक अबाउट साधना, शरीर को साधना पड़ता है, शरीर की जो हम कहते हैं बॉडी इंटेलिजेंस, उसको शार्पन करते 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 हम इस अवस्था में आ जाते हैं कि इट इज लाइक अ डायनामिक मेडिटेशन। उसमें सोचना नहीं है फिर कि मैं ये करूं या ये करूं, ये होता है, इट फ्लोज आउट। लेकिन बिना साधना के संभव नहीं होता, जो मैंने फील किया कि करने चलो तो बहुत मेहनत दिखती है, एफर्ट इतना इतनी साधना, लेकिन व्हेन इट कम्स आउट इट इज एफर्टलेस। बहता है पानी, कला बहती है, मूवमेंट्स बहती है, रिदम बहती है, अभिनय बहता है। तो इसमें मैंने जैसे कि गीत गोविंद, ओ माय फेवरेट, गीत गोविंद बोलते ही मुझे रोमांच होना शुरू हो जाता है। एंड फॉर दोज हु हैव नॉट हर्ड ऑफ गीत गोविंद, प्लीज लुक इट अप नाउ, इट इज गूगल इज योर टीचर, योर आचार्य। आई डोंट नो व्हाट गूगल सेज, आई हैव नेवर गूगल्ड एनीथिंग, द गूगल इज हियर, द कंप्यूटर इज हियर, एंड द गूगल आर माई गुरुज, द गूगल इज माई ओन थिंकिंग,
एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो जयदेव कवि का गीत गोविंद, राधा कृष्ण सखी, ओनली थ्री कैरेक्टर्स। जयदेव ने ये एक कृति लिखी, ओनली वन लव पोयम गीत गोविंद, एंड ही बिकेम इमॉर्टल, अमर हो गया। कोई दूसरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यही मैं सोचूं, सोनल मानसिंह एक वो कुछ ऐसा करे भगवती कि सोनल मानसिंह का नाम कहीं कहीं किसी कोने में कोई याद करे। चलो वो बात की बात है, अभी तो मैं जिंदा हूं। तो राधा कृष्ण सखी, द होल एनालॉजी गोज ऑन। उसमें कहा जाता है कि राधा जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, सखी गुरु है, आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा इज यर्निंग टू बी वन विद। मैंने कहा हेलो, आई डोंट अग्री। आई से जयदेव जो कहा होगा या पंडित जो कहते होंगे, बट इन द इंडियन वे, परंपरा ऑफ थिंकिंग, अभी जो बहुत कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन, अरे बाबा, दैट फ्रीडम हैज बीन इनग्रेन्ड इन इंडियन थिंकिंग फॉर सेंचुरीज। वो नहीं होता तो वाल्मीकि रामायण के बाद कोई और रामायण लिखने की हिम्मत नहीं करता, वो नहीं होता तो महाभारत के बाद और कुछ महाभारत पे आता ही नहीं, टीका टिप्पणी कॉमेंट्रीज कुछ नहीं होता। सो मैंने कहा सोनल ये सोच रही है कि क्यों नहीं राधा वो है जिसके लिए कृष्ण तड़पता है, जिसके लिए कृष्ण उनके पैरों में अपना सर रख देता है, क्यों नहीं। तो अगेन आई थिंक द जेंडर क्वेश्चन arises. I do not wish to go into it. I am just putting across, sharing with you my thoughts on which then my Gita Govind was built up. Krishna jo tadapte hain, radhi vilasate haro nayam bhujangam nayak. Kehte hain, are Kamdev, mere pe baan mat chala. Don't mistake me for your enemy, Shiva, who burnt you with his third eye. I'm not that. Why do you mistake me? See, ye jo haar hai mere hriday pe, wo saanp nahi hai, chamakta hai saanp ki skin ki tarah, wo saanp nahi hai, mera ye necklace hai. Aur jisko tu samajh raha hai neel kanth ka, ब्लू थ्रोट ऑफ शिवा, वो नहीं है ना, लुक एट मी, ये तो ब्लू लोटस का हार है जिसकी आभा और आ रही है। आई एम नॉट दैट, डोंट प्लीज शावर योर लव एरोज ऑन मी, आई कांट बेयर इट, आई कांट बेयर इट। अरे बाप रे, आई रीड ऑल दिस एंड आई परफॉर्म, आई मीन आई ट्राई टू परफॉर्म एंड आई से क्या बात है, the passion। और यदि जीवन में पैशन नहीं तो आपका जीवन है क्या, सूखा काट, लाइक अ ड्राइड अप ट्रंक ऑफ अ ट्री, पैशन हैज टू बी देयर। तो ये और पैशन दिखाने में या पैशन अभिव्यक्ति करने में उसकी, There should be no डर लग गए, मैं ये करूं, मैं कितना करूं, मैं कितना, अरे बाप रे। तो अभिनय, अगेन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू व्हाट मोल्डेड माय लाइफ। अभिनय जो कला है, जो आज लगभग खत्म हो रही है भारतीय नृत्य परंपरा में, खास करके सोलो डांसर्स में, सोलो डांसिंग ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे, I hope it rejuvenates again. Solo dancer ki ka jo abhinay hota hai, think of Bala Saraswati. Think of her, think of so many.
अभिनय ऐसा कि आप बहुत कुछ कह जाते हैं फिर भी कुछ बचा के रखते हैं, इसलिए नहीं कि आप नहीं कह सकते, इसलिए कि वहां पर भी एक मर्यादा होती है। अतिशयोक्ति सर्वत्र वर्जयेत, अतिशयोक्ति यानी एग्जैजरेशन, इतना कि अष्टपदी या कुछ सैड करते करते फॉल्स आईब्राउज होने के साथ डांसर की यहाँ बैठ जाए स्टेज पे और कॉमेडी बन जाए, ये भी देखा गया। या आप इतना ज्यादा हो गए कि वो बिल्कुल आप अति भंग में चले गए, तो तरह तरह के इसमें जो साधना में हमें देखना पड़ता है, जो साधना करने से समझ में आता है कि व्हाट इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट, व्हाट इज बैलेंस्ड, व्हाट इज नॉट बैलेंस्ड, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे मेकअप हो, चाहे नृत्य हो, चाहे जीवन हो। तो डांस मेरा मोल्ड मुझे करता चला गया है। बहुत सारे जो मेरे उतार चढ़ाव आए, फाइनेंशियल आए, पर्सनल लाइफ में आए, राजनैतिक तौर से आए, व्हेन बिकॉज आई वेंट टू डांस फॉर द विवेकानंद सेंटिनरी इन 1993 ऑफ हिज हैविंग गॉन टू शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस। तो उसके वक्त तो मुझे मेरे सर में ईंटें पड़ी यहाँ पे फ्रॉम द लिबरल सेक्युलर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और मुझे सैफरन लेबल कर दिया 1993 में। एंड बिकॉज आई एम अ डांसर हु लव संस्कृत, हु लव्स संस्कृति, आई लव माई कंट्री, आई लव दिस लैंड, इस मिट्टी की मैं इसके पागल हूं मैं। डज दैट मेक मी कम्यूनल? डज दैट मेक मी सैफरन? आई डोंट केयर टू हूज। मैं कहती हूं कि उतार चढ़ाव जीवन में यदि नहीं आते हैं तो आप कैलाश के दर्शन कैसे करोगे? तो आज मैं जहां हूं आनंद में हूं, शेयर करती हूं, और फिर भी नृत्य ही मेरा सब कुछ है, सर्वस्व है, नृत्य मेरा गुरु है, और मेरे अनेक मेरी शिष्याएं शिष्यगण जो आज इतने सुंदर सुंदर उन लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, मैं मेरे मित्रों का, मेरे शिष्यों का, सभी का आभार मानती हूँ, स्पिक मेके का विशेष करके जिनके साथ मैं जुड़ी रही हूँ वर्षों से, लगभग जब से शुरू हुआ है। और आज फिर से मेरे दादाजी, माता पिता, मेरे गुरुओं का आदर पूर्वक नमन करती हूँ, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे है, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म नहीं दिखते हैं फिर भी हैं, तस्मै श्री गुरवे नमः। जी और कुछ? हाँ जी, लक्ष्मी, जी आई कैन नॉट थैंक यू इनाफ फॉर सच लवली वर्ड्स। बिकॉज़ थैंक यू सो हाँ मच। जी, एंड नाउ वी गोइंग टू कम अप लिखना विद अ हो गया फ्यू ना। क्वेश्चंस। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने लिखे हैं। अभिषेक हिंदी में जी पढ़ेंगे और हेमंत इंग्लिश में पढ़ेंगे। अभिषेक प्लीज हिंदी के सवाल करिए प्लीज। जी मैम नमस्कार, मैं अभिषेक, और मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपसे अपनी आपकी जीवन यात्रा के इन अनछुए पहलुओं को सुनकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, और कुछ आपके अनछुए पहलू हमें आज पहली बार पता चले। हमारे साथ बहुत सारे श्रोतागण YouTube पर जुड़े हुए हैं स्पिक मैके के पेज पर, तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सिंधु मिर्चंदानी जी पूछ रही हैं कि गुरुजी, नाई का भेद आजकल के बच्चों को समझाना बहुत कठिन हो गया है, कोई सुझाव? YouTube, मैं कहूँ, मैं बताऊँ? जी जी मैम जी। हाँ, देखिए साथ जितनी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, बालिकाएं हैं, सब नायिकाएं हैं। आप अपने 24 घंटे को देखिएगा, यदि आप शादीशुदा हैं तो आप खंडिता भी हैं, आप विरहोत्कंठिता भी हैं, आप विप्रलब्धा भी हो जाती हैं,
सारी नाए का भेद जो है वो हमारे जीवन से आते हैं, और हम सब नायिकाएं आखिर में जाके स्वाधीन भर्तृका होने के लिए हमारी जीवन यात्रा करती हैं। स्वाधीन भर्तृका यानी द वुमन हु इज कंप्लीट इन हर सेल्फ एंड हु रेन्स सुप्रीम ओवर हर हस्बैंड, हर लवर, हर हाउस होल्ड, वॉट एवर। तो ये तो सभी महिलाओं का ड्रीम होता ही है। तो नाई का भेद आज की भाषा में समझाना चाहिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे बॉयफ्रेंड को मिलना है कॉलेज के बाद उस रेस्टोरेंट में, वो चली गई, वो बॉयफ्रेंड पहुंचा नहीं। हाय हाय, क्यों फोन भी नहीं आ रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। विप्रलब्धा, नायिका तो पहुंच गई, नायक आया नहीं, शठ नायक, खंडिता। फिर जब वो दूसरी वो आया 1 घंटे के बाद, या उसको मनाने आगे चला गया, ये रुक रुक के चली गई, जो भी है, दूसरी बार जब मिला तो खंडिता। डोंट कम नियर मी, मत मुझे, मैं नहीं बात करूंगी, नो, खंडिता, वही लड़की। तो ऐसे जो है विरह कर विरह कंठिता, कब आएगा, कब आएगा, कब मिलेंगे, फिर कब हम मिलेंगे, ये बहुत सारी बातें। अभिसारी का चुप गुप चुप हॉस्टल से निकल के जाना है, मम्मी पापा को पता नहीं चले से निकलना है, अभिसारी का हो गई। बहुत आज की तारीख में, आज के संयोगों में, आज की परिस्थितियों में ही आपको समझाना चाहिए। और फिर यह है कि राधा कृष्ण या कोई आप सैंपल दे दो, सैंपल मैं कहती हूँ, नाम दे दीजिए विच हैव अ पैन इंडियन पैन ग्लोबल अपील, तो फिर एकदम समझ में आ जाएगा। ये मेरा अनुभव है जी। नमस्ते मैम, आनिया मिश्रा पूछ रहा है। प्रणाम विदुषी सोनल मानसिंह जी। आई एम एन ओडिसी डांसर। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू डस डांस एड इन आवर लाइफ? कैन यू से सम वर्ड्स टू दोज डांसर्स हु वांट टू ग्रो एंड बी लाइक यू विल बी ग्रेटफुल? No, don't be like me. Be better than me. Okay, that's one. क्या क्या बताएं? देखिए, इट्स डांस में डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, नम्रता, इंटेलिजेंस, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, वांटिंग टू नो, एंड इजी टू आस्क। आजकल मैं देखती हूँ कि गुरुज, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एटीट्यूड, किसी को पूछना नहीं है, मैंने जो कहा वही, और बहुत गलतियाँ भी होती हैं, पूछना चाहिए। आज भी मैं पूछती हूँ, मेरे ऐसे दो तीन विद्वान मित्र हैं, आज भी मैं पूछती हूँ। पूछने में हम छोटे नहीं हो जाते, हम बड़े होते हैं। एंड पेशेंस, धैर्य। आपने चपटी बजाई और आपके फेसबुक पे थम्स अप आ गया, सोशल मीडिया पे थम्स अप आ गया, फिर थम्स डाउन हो गया। ह्यूमिलिटी एंड पेशेंस, धीरज रखो, साधना करो। आपके हर रोज के जीवन में भी, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे दिखते हो, कैसे बात करते हो, तो हर वक्त ये भी नहीं करना है कि आप डांसर हैं, ऐसे लोगों को दिखाना क्यों है। आपकी चाल से पता चलेगा, आपके पॉस्चर से पता चलेगा। जीवन में रिदम आती है, जीवन में सुर आता है, ताल आता है। आपकी सांस सुर ताल में चलती है, आपकी बात सुर ताल में चलती है, तो आपका व्यक्तित्व ऐसा बनता है, योर पर्सनैलिटी बिकम्स वेरी डिफरेंट। माई वन क्वेश्चन टू माई ऑडियंसेस, विच वॉज टू माई सेल्फ अर्लियर, Now I ask my audiences, I also ask specially the young people and to my students. Just take India, एक देश, 135 करोड़ का ये देश आज, 130 करोड़ जो भी है, करोड़ों में आप कौन हैं? Who are you? विचार करो। Do you want to remain ordinary? Or do you want to become extraordinary?
तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कुदरत ने आपको ये रास्ता मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पे चलिए, धैर्य से चलिए, कर्तव्य निष्ठा से चलिए, सिंसियरिटी से चलिए, डेडिकेशन से चलिए, डिवोशन से चलिए, डिसिप्लिन से चलिए, तो आप देखेंगे कि आप क्या बन के उभरते हैं। ओके जी जी मैम, एक सवाल है हमारा सूरज गिट्टे, एक सवाल है मैम सूरज गिट्टे, हमारे देश के युवक और युवती कैसे हमारी कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार करें? सूरज जी का बहुत अच्छा, बहुत टाइमली प्रश्न है। सूरज जी आपको नमस्कार करती हूँ, आप हमेशा जुड़े रहते हैं और आपका आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही जागृत इंटरेस्ट है। मैं कहती हूँ कि हम मात्र युवक युवती की बात करते हैं, वैसे 52-55 वर्ष के भी युवक होते हैं, मैं भी आज इस उम्र में, मुझे लोग कहते हैं यू आर सो यंग, खैर हंस रही हूँ मैं। युवक युवतियाँ आज की जो जनरेशन है उनके पास बहुत साधन है जो हमारे पास नहीं थे। We did not have mobile phones, we did not have computers, we did not have television, ये सब कुछ नहीं था। ये सब आपके पास उपकरण हैं तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात कि जो मैंने कहा, भारत की मिट्टी से जहाँ से आप पैदा हुए, आपके पूर्वज पैदा हुए, उस मिट्टी से प्रेम करो, इस मिट्टी को समझो, इस मिट्टी ने क्या क्या दिया है, थोड़ी जानकारी जुटाओ। मुझे शेक्सपियर मैंने नहीं पढ़ा तो मेरा कोई बिगड़ा नहीं, लेकिन यदि मुझे मेरे एरिया की, भारत की छोड़ो, आप यदि महाराष्ट्र के हैं तो तुकाराम, एकनाथ, मुक्ताबाई, जनाबाई, बहनाबाई, ये सारे जो आपके संत हो गए, आपके बड़े शिवाजी महाराज हो गए, कितने कितने, तो महाराष्ट्र के बारे में जानो, वहाँ के जो लावणी है, वहाँ के नृत्य है, वहाँ के संगीत है, वहाँ के जो फोक फॉर्म्स हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, उसको जानो। जो माता जीजाबाई साड़ी है वो इरकली है, कितनी तरीके के टेक्सटाइल्स हैं उनको जानो, कितनी तरीके का खाना बनता है, विशेष मराठी महाराष्ट्रियन क्विजीन में कहाँ कहाँ क्या बनता है वो जानने की कोशिश करो। तो जुड़े रहना है अपने आप से, अपने सराउंडिंग से, अपने एरिया से। मैं तो शुरुआत वहीं से करूंगी, जिससे कि, और एक चीज़ और सूरज जी, कि आज ज़्यादातर घर में अपनी मातृभाषा बोलने का चलन खत्म हो रहा है। अंग्रेजी तो बोलना तो है, बोलिए, कोई उसमें वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के पहले मातृभाषा बोलिए, लिखना पढ़ना सीखिए, हिंदी भी बोलिए, अंग्रेजी भी बोलिए। यदि भाषा आपको नहीं आती, मातृभाषा, तो आपका आधा जीवन बेकार है। लैंग्वेज इज द की टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड योर कल्चर, योर ट्रेडिशंस, आपकी अस्मिता, आइडेंटिटी जानने की वो चाबी है। जी नमस्ते मैम, रमणी स्वर्णा जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन डांस फॉर्म्स, शुड इट बी अंडर द गाइडेंस और अ सोलो इनिशिएटिव? पहले तो जो शब्द है एक्सपेरिमेंटेशन, मुझे समझ में नहीं आता है। ये शब्द चला आ रहा है कुछ वर्षों से। एक्सपेरिमेंट तो लाइब्रेरी, इसमें लेबोरेटरी में होता है। यहाँ पे जो आपके पास तैयार फॉर्म्स हैं उसमें भी कितनी तरीके की अलग अलग विधाएं आ गई हैं, लेकिन बाहर के देशों का जो उनके अपने अनुभवों से निकली हुई विधाएं हैं उनको यहाँ लाकर, उनको जोड़ जाड़ के, जो एक है ना कि आपने लकड़ी और लोहा, जो भी है, देखिए मैं
अपनी ओर से ये कह सकती हूं कि जो भी आप करते हो सोच समझ के करो, क्यों कर रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है पहले वो जानो। कि आपको मात्र कुछ नवीन करना है और लोग कर रहे हैं इसलिए, या आपके अंदर वो एक जिज्ञासा है, एक फ्लेम है कि मुझे अब इसमें से कुछ और नया करना है, या कुछ ऐसा विचार आया है कि जिस विचार को साकार करने के लिए आप में कुछ नया हो रहा है, वो पहले समझिए। तो जो आप एक्सपेरिमेंट कह रहे हो, वो एक्सपेरिमेंट यानी कुछ नयापन, नूतन, वो सुंदरी होगा। और गाइडेंस, जैसे मैंने कहा, गाइडेंस मिलता है तो अच्छा है कि ये जो मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो एस्थेटिकली कैसे दिखता है, थर्ड पार्टी की आंखों से कैसे दिखता है, मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन दिस इज अ विजुअल आर्ट, डांस इज अ विजुअल आर्ट, दर्शनकारी कला है, देखने वाली कला है, सुनने वाली कला है। तो यदि देखने वाले को अच्छा ना लगे या कुछ, तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर गाइडेंस, ये मैं सोचती हूँ। जी धन्यवाद मैम। और सवाल बहुत हैं, श्रोता भी बहुत हैं, परंतु समय की सीमा है। तो मैं एक सवाल, अगर आप परमिशन दे तो हम इसके बाद भी पूछ सकते हैं, परंतु एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। महाराज जी का तो मैं सुन रही थी, समय की कोई सीमा नहीं थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रश्न पे प्रश्न पे प्रश्न की हारमाला चल रही थी, तो जी, समय जी, जी। की सीमा जो आप कहेंगे, मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे। जी नहीं नहीं मैम, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्पिक मैके से जोड़कर जो आजकल के युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि जैसा स्पिक मैके का जो निष्काम सेवा का भाव आज तक चला आ रहा है, तो आजकल के समय में निष्काम सेवा से कैसे युवा अपने आप को जोड़ सकते हैं और उसमें आगे कैसे वो इसको जो मूवमेंट है इसको लेके जा सकते हैं? निष्काम सेवा तो आर्टिस्ट करता है, कलाकार। स्पिक मैके से वर्षों से जब मैं जुड़ी रही हूं, तो निष्काम सेवा तो हमने दी है। हमारे संगीतकारों को अपनी जेब से पैसे निकाल के बहुत वर्षों तक दिए हैं, या छोटा मोटा 500, 1000, 1500 जब मिलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले स्पिक मेके में जुड़ने वाले सारे लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सुंदर ये एक काम चला आ रहा है, लेकिन सबसे पहले कलाकार का सम्मान और कलाकार की निष्काम सेवा, उसका सम्मान पहले, नंबर वन। कलाकार नहीं होगा तो स्पीक मेके क्या करेगी? नंबर दो, कि जो आप वॉलंटियरिंग करते हो वो बहुत बढ़िया काम है। आज मुझे एनसीसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका फोन आया था मुझे शुभकामना देने के लिए। एनसीसी के बोर्ड में भी मैं हूँ और वैसे भी, तो बता रहे थे कि एनसीसी में भी जो कर रहे हैं काम और जुड़ते जा रहे हैं लाखों, वो निष्काम सेवा। आज आपको पता नहीं होगा कि इस कोरोना महामारी के महासंकट के समय में एनसीसी के युवा युवती बॉर्डर एरिया से लेके आंदमान तक चले गए हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं, निष्काम सेवा दे रहे हैं, उनको एक पैसा नहीं मिलता है। तो निष्काम सेवा एक तपस्या है, और यदि वो तपस्या कुछ महीनों कुछ वर्षों के लिए आप करते हैं, तो उस तपस्या का फल आपको तो मिलेगा, लेकिन आपके देश को मिलेगा, हमारी कलाओं को मिलेगा। और कलाकार बहुत प्रसन्न रहेंगे कि कला का विस्तार हो रहा है। तो स्पीक मेकिंग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे जोड़ा आज के विशेष दिन पर। वैसे प्रतिदिन मेरे लिए विशेष है, लेकिन सबने कहा कि आज का दिन विशेष है, तो विशेष है, मैं मानती हूँ। और आप सबको बहुत आपका कल्याण हो, भगवती की कृपा बनी रहे, आप नाचें गाएं, प्रसन्न रहें, प्रसन्न रखें, और हर परिस्थिति में आप संबल आपका बना रहे, आप औरों के भी संबल बने।
इसके लिए मैं नित्य प्रार्थना करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जय हो, प्रणाम। Thank you, Sonal ji, for such beautiful, enriching words. We cannot thank, on behalf of SpeakMK, I want to thank you, but I don't have enough words because you have, this session has been so beautiful and there's so many thanking messages coming. I don't know if you can see on your screen, but thank you once again for sharing your birthday with us. You are a very precious part of our classical tradition, of our culture today. And we are very, and I say this to young people very often, that we're very fortunate to be living in the times of legends such as you, to be able to share the same atmosphere, the same air that is there, while you are, Gurujans like you are there to give us wisdom to young and old alike. Thank you so much. Have a very happy birthday, a great year ahead. And there's so many messages coming out. Let me just read 2-3 more of them, if you're still there. Hello, Abhishek, is ma'am there or she's left? Hello? Yeah, actually, ma'am is listening from, yeah. Okay. She's off stream. Okay. Yeah, we can read some messages, I think. Okay, can you just scroll some more? Then maybe we can just pass on. There are lots of messages. Suraj Gite, happy birthday, Sonal ji. Strong, observing, noble, adorable, loyal. Adarniya Sonal Man Singh ji, aapko janam din ki bahut bahut shubhkamnaen. Mai Kamakhya, aapko achha swasth, sukh shanti aur lambi ayu de. What beautiful blessings. Aur Pankaj Malhotra, hamare Saharanpur ke volunteer hain. Pranam Sonal ji, aapko dekhkar ek sukhad anubhav ho raha hai. और चलाइए जरा सागर केशरी, वेरी इंस्पायरिंग. उषा रविचंद्रन, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर टेकिंग अस थ्रू द मैजिकल जर्नी ऑफ योर लाइफ एंड डांस, दिस वाज वेरी इंस्पायरिंग, वी फील ब्लेस्ड. दिस विल गो ऑन एंड ऑन, बट आई कैन ओनली से थैंक यू वंस अगेन फॉर इनलाइटिंग आवर यंग एंड सीनियर वॉलंटियर्स अलाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड टू दिस सेशन, एंड वी होप टू हैव यू मोर ऑफ्टन विद अस. You're a very integral part of SpeakMK. Your contribution to the growth of SpeakMK is well known, and we are so grateful to you for being part of us today. Thank you so much. Good night to you. मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब हमारे साथ आज के इस सेशन में जुड़े, और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे आने वाले दिनों के सेशन में. कल से लेकर आने वाले हर दिन हमारे सेशन चलते रहेंगे, जिसका समय समय पर आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पता चलता रहेगा. और आप सभी से यह भी प्रार्थना है कि जो हमारा मिशन है SpeakMK का, उसको सस्टेन करने के लिए SpeakMK को आप मिलाप के थ्रू डोनेट कर सकते हैं. उसके लिंक्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिलेंगे. और ये एक मूवमेंट है, एक सेवा है, जिससे जुड़ने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@speakmk.com पर. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि.